Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Umbul Naz. I am going to start a series of lectures on psychological assessment. Inshallah, in this very series, we are going to discuss about how we can understand what is psychological assessment, what is psychological testing, and then we'll be talking about history of psychological testing, test construction, item analysis. We will be talking about reliability, the different types of reliability, validity and its different type. Then we'll be discussing about the norms of psychological testing, and then we'll discuss different types of tests, that is intelligence test, personality test, aptitude test, interest inventories, values assessment, testing in business and industries, test biasness and test spatial population, and inshallah we'll discuss the ethical issues following in psychological assessment, and we'll be discussing much more in this series. So stay connected, stay tuned, and if you like my videos, do subscribe and do like this and share with other fellows so that others may get benefit from it. So starting from this very session, the first thing you need to know is what is a test. Test is actually a measurement device or a technique which is used to quantify the behavior, and it is actually aid in understanding and prediction of behavior. This is a definition which is given by Kaplan and Scuzzo. So टेस्ट एक ऐसी मेजरमेंट डिवाइस या कोई भी टेक्निक हो सकती है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है डिवाइस ही हो, ये टेक्निक भी कोई हो सकती है. हमारा काम क्या है, बिहेवियर को क्वांटिफाई करना या फिर उस बिहेवियर के बारे में बेटर अंडरस्टैंड करके प्रेडिक्शन देना. Now what is psychological test? अब psychological test वो हमारे पास set of items होते हैं which are designed to measure the characteristic of a human being, ठीक है, that pertains to the behavior. ये definition भी Kaplan and Scuzzo ने दी थी. और psychological test को हम कहते हैं कि ये written, visual और verbal evaluation तीनों तरह की होती हैं. रिटन भी है, विजुअल भी है और वर्बल एवेल्युएशन भी होती है, जिसमें हम किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव और उसकी इमोशनल फंक्शनिंग, चाहे वो कोई चाइल्ड है चाहे वो कोई अडल्ट है, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट और टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंट है. टेस्ट किसी भी तरह की मेजरमेंट डिवाइस या कोई भी टेक्निक हो सकती है, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है. और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो जैसे हमने कहा कि रिटन, विजुअल और हमारे पास ये वर्बल भी हो सकते हैं. बेसिकली हमारा काम क्या है, किसी भी बंदे की कॉग्निटिव और उसकी इमोशनल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करना. नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में ये होता है द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप. द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन, द सेकेंड वन इज स्कोरिंग एंड द थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन. यही तीन स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके हम कहते हैं कि हाँ, हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर ली. लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी थोड़ा सा फर्क है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में उसको एडमिनिस्टर करना, उसको स्कोर करना, उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को, वो टेस्टिंग है. और असेसमेंट में उससे रिलेटेड कंक्लूजन भी ड्रॉ कर ले, दिस इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि हमें फ्लान टेस्ट से ये टेस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट. साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एक्चुअली यूज टू असेस अ वैरायटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, जिसमें अचीवमेंट, एबिलिटी, पर्सनैलिटी और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग आ जाती है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कोई लिमिटेड एक स्टेटमेंट नहीं है कि हमने जस्ट बिहेवियर को ही आइडेंटिफाई करना है. हमारे बिहेवियर के साथ हमारे थॉट्स लिंक्ड है, हमारी कग्निशन जिसमें रीजन कर पाना, किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाना, डिसीजन मेकिंग करना, ये तमाम चीज़ें हमारी कग्निशन के साथ रिलेटेड हैं. जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज अच्छी हैं, कग्निटिव पावर्स अच्छी हैं, तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा, ठीक है. तो इन तमाम चीज़ों को, एक ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक को बेटर वे में असेस करना, उसकी डिफरेंट एबिलिटीज को असेस करना, ये सारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर आ जाता है, जिसमें पर्सनैलिटी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, हम इसमें डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स को भी यूज कर रहे होते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन करना किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की, जो पहले भी हमने बात की कि थ्री स्टेप्स को फॉलो करना, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है.
अब इसके पीछे जो साइंस है उसको हम साइकोमेट्रिक्स कहते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट जब भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रेंड इंडिविजुअल का होना जरूरी होता है. ठीक है, एक ट्रेंड इवेलुएटर आ जाएगा, ठीक है, तभी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छे रिजल्ट्स देगा. चाहे वो कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, चाहे कोई वो सब्जेक्टिव टेस्ट है, या किसी भी किस्म का कोई पर्सनैलिटी टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, कुछ भी है, तो उसके लिए एक ट्रेंड इवेलुएटर का रिक्वायर्ड होना जरूरी है. इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को हम डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टेस्ट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन विल बी टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो उनकी नेचर डिफर कर रही होती है तीन इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर, स्कोरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट दे असेस. ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, स्कोर करना, हर एक टेस्ट की स्कोरिंग अपनी होगी, हर एक टेस्ट को डिफरेंट तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा. हर टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी को मेयर नहीं करेगा, हर टेस्ट एबिलिटी को मेयर नहीं करेगा. इसी वजह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो नेचर है वो डिफर कर जाती है. वेदर दे आर मेयर ऑफ अ टिपिकल बिहेवियर, ऑफन नॉन कॉग्निटिव मेयर्स, या फिर ये वो टेस्ट होते हैं जो कि मैक्सिमल परफॉर्मेंसेस को मेयर करे होते हैं, जिनको हम कॉग्निटिव टेस्ट कहते हैं. यहाँ पे दो कैटेगरीज आ गई, द फर्स्ट वन इज नॉन कॉग्निटिव मेयर एंड द सेकेंड वन इज कॉग्निटिव मेयर या कॉग्निटिव टेस्ट. टिपिकल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, किसी भी किस्म के स्पेसिफिक बिहेवियर की, तो उसमें पर्सनैलिटी, उसमें इंटरेस्ट, उसमें एटीट्यूड एंड देन वी हैव मॉरल वैल्यूज. और ये तमाम टेस्ट कौन मेयर कर रहा होता है या किस तरह के होते हैं, ये नॉन कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट या मैट्रिसेस के बारे में, सो इट इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव टेस्ट, जिसमें हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक किया जा रहा होता है. देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट. तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं. द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर. द सेकेंड वन इज इट इज अबाउट द स्टैंडर्डाइज कंडीशन, स्टैंडर्डाइज सेटिंग की बात हो रही है. एंड द थर्ड वन इज इट हैज एस्टैब्लिश स्कोरिंग रूल्स. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सैम्पल ऑफ बिहेवियर, तो देखें कि किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम सैम्पल ऑफ बिहेवियर कहते हैं. जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट द रिस्पॉन्डेंट टू डू समथिंग, कि वो कुछ भी करे. जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना इसमें होता है. जैसे कि वैरायटी ऑफ मेयर्स हैं दैट डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर द रिस्पॉन्डेंट टू एंगेज इन एनी ओवर्ट बिहेवियर और दैट रिक्वायर द बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज क्लियरली इंसिडेंटल. अब सबसे इम्पोर्टेंट देखें ना, तो यहाँ पे जो बिहेवियर सैम्पल की बात आ जाती है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो उसकी सैम्पल इम्प्लीकेशन हैं. सबसे पहले तो ये कि जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो एग्जॉस्टिव मेयर नहीं होते बिहेवियर के. ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को मेयर कर रहे होते हैं. सपोज यू विश टू डेवलप अ टेस्ट टू मेयर अ पर्सन राइटिंग एबिलिटी, तो क्या आप उस टेस्ट से जो है वो किसी किस्म की पर्सन की और पर्सनैलिटी ट्रेट को मेयर कर सकते हैं? नहीं. तो ये जो अगर हम प्रोसीजर इस तरह की बात करें तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सा नजर आता है. तो एक टेस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को ही मेयर कर रहा होता है. सो यहाँ पे इसका यही मतलब था कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट में फर्स्ट पॉइंट है दैट इट इज द सैम्पल ऑफ बिहेवियर, तो हम इसमें ओवरऑल बिहेवियर को मेयर नहीं करते बल्कि एक सैम्पल को मेयर करते हैं. एक स्पेसिफिक जो है वो उसकी जो ट्रेट आ जाती है उसको हम मेयर कर रहे होते हैं. द सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्डाइज कंडीशन. स्टैंडर्डाइज कंडीशन का ये मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग कंडीशन, नॉइज लेवल, इंटरप्शन और डिफरेंट तरह की और भी जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको कंट्रोल करना होता है. ठीक है, जब डिस्टर्बेंस होगी तो ऑब्वियसली उस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे जैसे आप चाह रहे हैं. अब स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही जरूरी है जहां पे आप ये बात करें कि टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है या वैलिडिटी है उस पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद, तो वो हर एक बंदे के डिफरेंट होंगे. अगर हम हर इंडिविजुअल को एक जैसी स्टैंडर्डाइज कंडीशन नहीं दे पा रहे और डिफरेंट लोगों को असेस करना चाह रहे हैं विद द सेम पर्सनैलिटी ट्रेट,
या फिर विद द सेम बिहेवियर पैटर्न, तो वो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं होंगे, वो वैलिड रिजल्ट्स नहीं होंगे. तो स्टैंडर्डाइज कंडीशन का होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखें कि जो थर्ड पॉइंट है, इट एस्टैब्लिश द स्कोरिंग रूल्स. अब एस्टैब्लिश करना स्कोरिंग रूल्स को किस तरह से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन एनी सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आप किसी किस्म की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है वो स्कोरिंग रूल्स रखा जाता है. ज्यादातर जो हमारे टेस्ट हैं वो आ जाते हैं कौन सी कैटेगरी में, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग के अंदर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू टीचर्स स्कोरिंग द सेम मल्टीपल चॉइस टेस्ट विल अराइव एट द सेम टोटल स्कोर, ठीक है, ये होगी ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग. एंड देन वी हैव सब्जेक्टिव स्कोरिंग, जो कि इंडिविजुअल की अपने ही एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उसकी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग रूल, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज के ऊपर किसी भी किस्म की असेसमेंट का रिजल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, और ये किसी और एक्सट्रेनियस वेरिएबल से इफेक्ट नहीं हो रहा होता है. कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, आप इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, येस कहेंगे या नो कहेंगे, या फिर जो लिकर्ट स्केल है उसकी फॉर्म में आप उसको असेस करेंगे. लेकिन जो सब्जेक्टिव स्कोरिंग रूल है वो आपके पर्सनल और प्राइवेट क्राइटेरिया पे बेस कर रहा होता है. इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं होती. आप ये कह सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं. इसकी छोटी एग्जांपल ये ले सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग रूल्स में जो मल्टीपल चॉइस आइटम है, या फिर जो हमारे पास ट्रू फॉल्स यस नो के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके टेस्ट या क्विजेस हो रहे होते हैं, और सब्जेक्टिव स्कोरिंग रूल में वो तमाम क्वेश्चन जैसे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना पर्सनल व्यू भी दे सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस है, आप उस तरह से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.